हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ जैक फ्रूट या कटहल की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो बहुत सिंपल है और इजीली आप इसको बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आके ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो दैट मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये 500 ग्राम कटहल लिया है, जिसको मैंने अच्छे से क्लीन करके इसको इस तरह पीसेस में कट कर लिया है। इसको बॉयल होने के लिए मैंने ये कुकर लिया है, इसमें पानी डाल दे रही हूँ और जो कटहल के पीसेस हैं इसमें डाल दे रही हूँ। कटहल को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस हल्का सा बॉयल करना है। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको गैस पे रख देंगे। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक सब्जी के लिए मसाला तैयार कर ले रहे हैं। इसके लिए मैंने ये अनियन लिया है, 2 मीडियम साइज़ के अनियन है जिनको चॉप कर लिया है। ये जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली, इनका अलग पेस्ट बना लेंगे। और ये टमेटोज़ हैं, 4 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ हैं, इनका अलग पेस्ट बना लेंगे। इसमें डाल ले रही हूँ मैं ये अनियन, जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली। थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। सब्जी की बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा क्यूमिन सीड, ये तेज पत्ता, होल रेड चिली, हल्का सा सॉटे कर लेंगे। इसके बाद में जो अनियन गार्लिक जिंजर का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है, भून लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा हींग भी डाला है मैंने। इस तरीके से स्पाइसेस में ये टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे स्पाइसेस को। इस तरीके से अच्छे से भून लेंगे मसाले को। साइड से ऑयल थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगेगा जब ये भुन जाएगा तब। ये देखिए भुन गया है मसाला। अब यहाँ पे जो टमेटो का पेस्ट बनाया था हमने वो डाल दे रही हूँ मैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से सॉल्ट ऐड किया है मैंने। इसको भी अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाला है जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसी भी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उसी हिसाब से पानी ऐड कीजिए।
अब इसको अच्छे से पका लेंगे। देखिए अच्छे से बॉईल होने लगी है। अब यहाँ पे जो बॉईल्ड जैक फ्रूट था, कटहल हमने जो बॉईल किया था, वो डाल देंगे। इसी तरीके से आपको बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, नहीं तो ये पूरा फिर मैश हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करना है मसालों के साथ में। तरीके से और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद में देखिए ये सब्ज़ी आपके बन के तैयार है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको थोड़ा सा बॉईल कर चुके हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है, ये चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी बन चुकी है, गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। एंड लीजिए आपकी कटहल की सब्जी बनके तैयार है। बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही इजी एंड सिंपल है। आप इसको पराठा, चपाती किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।